हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली दोस्तों, टाटा ने अपनी ICNG पंच लॉन्च कर दी है, या आप कह सकते हैं इसे रिवील कर दी है। एंड दोस्तों, ये गाड़ी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की गई है। सो अब दोस्तों आपको इसमें बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है CNG सिलेंडर के साथ। सो टाटा पंच CNG का लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, अब उनका इंतजार ख़त्म हुआ है। एंड दोस्तों, अगर आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका CNG वेरिएंट है, तो पहले दोस्तों आप यहाँ पर आइए विंड स्क्रीन पर। यहाँ पर आप दोस्तों CNG की इसमें बैजिंग या फिर आप स्टिकर देख सकते हैं। दोस्तों जो अभी आप वेरियंट देख रहे हैं, ये आपका एडवेंचर, रिदम पैक। एंड दोस्तों आपको कितने वेरियंट में ये टाटा पंच CNG देखने को मिल जाती है, चलिए बात करते हैं। पहले आपका बेस मॉडल आता है प्योर, उसके बाद एडवेंचर, फिर आता है एडवेंचर रिदम पैक, एंड उसके बाद आएगा एकॉम्प्लिस्ट। लास्ट में दोस्तों आता है आपका टॉप वेरिएंट एकॉम्प्लिस्ट डेजल पैक, जिसमें आपको दोस्तों सनरूफ देखने को मिल जाती है। एंड अगर दोस्तों इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें एडवेंचर रिदम पैक की, तो 8,20,000 रुपये एक्स शोरूम। एंड ऑन रोड की बात करें दोस्तों, तो आपको 9,20,000 रुपये ऑन रोड पड़ जाती है। एंड लगे आ दोस्तों, बात करते हैं इसमें आपको किस टाइप की देखने को मिलती है। दोस्तों देख लीजिए, आपको स्मार्ट की इसमें लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प्स के बटन देखने को मिलते हैं। सेकंड की दोस्तों आपको नॉर्मल की देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रंट फेशिया की बात करें दोस्तों, तो वही सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट फेशिया में, जो आपके नॉर्मल पंच में आपको देखने को मिलता है। पीछे दोस्तों आपको टाटा का लोगो। एंड बात करें दोस्तों अगर इसके इंडिकेटर की, तो आपको हेलोजन मिलता है, ऊपर आपको लाइट सेटअप, नीचे आपको दोस्तों प्योर रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड नीचे दोस्तों ग्रिल कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाती है। फॉग लैम्प का दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। एंड वहीं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोस्तों आपकी 187 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। सो बात करें दोस्तों इसकी साइड लुक की, तो साइड लुक लगभग सेम आपको देखने को मिल जाता है। 185/70 R15 का टायर साइज। एंड दोस्तों साथ में आपको इसे मिल जाते हैं व्हील कैप ब्लैक कलर के, ग्लॉसी ब्लैक में, जो दिखने में काफ़ी मस्त लगते हैं। एंड ब्लैक कलर की ग्लेडिंग दोस्तों आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। साइड मिरर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर। एंड इसमें आपको दोस्तों मिलते हैं टर्न इंडिकेटर, ये आपके ऑटो फोल्डेबल आपको देखने को नहीं मिलती। एंड इसको आपको मैनुअली हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऊपर आपको रूफ रेल देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे, तो आपको इसमें सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। पीछे दोस्तों आपको देखने को मिलता है एंटीना, जो कि काफ़ी पुराने टाइप का है। फ्यूल लिड की तो यहाँ से देख लीजिए, ओपन होता है। एंड यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, ये आपको CNG की इसमें पूरी मार्किंग देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों BS6 सेकंड फेज की गाड़ी है, जो कि आपका E20 पेट्रोल सपोर्ट करती है। ये दोस्तों आपका हो गया पेट्रोल का नोब। एंड यहाँ से दोस्तों आप देख लीजिए, इसको ओपन करके CNG यहाँ से भरा सकते हैं। तो मतलब यहीं पर आपको इसका प्लेसमेंट दिया गया है। यहाँ देख लीजिए आपके सामने इसके CNG सिलेंडर दोस्तों, जो कि आपके ट्विन CNG सिलेंडर है, कुछ इस टाइप से हैं। एंड ये दोस्तों आपके 30-30 केजी के दो सिलेंडर लगाए गए हैं। एंड इसमें अगर दोस्तों गैस की बात करते हैं वन टाइम, तो 8 से 10 किलो की गैस दोस्तों इन दोनों सिलेंडर में इजीली फिल हो जाती है। बैक प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो बीच में आपको टाटा का लोगो, नीचे आपको कैमरा जरूर देखने को मिल जाता है एडवेंचर में। ग्लास की बात करें तो किसी भी टाइप का आपको इसमें वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा, बट ऊपर हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों देख सकते हैं राइनो का स्टिकर भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड बात करें यहाँ पर आपको दोस्तों CNG की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। लाइट सेटअप की बात करें तो देख लीजिए, पूरा आपको हैलोजन बेस्ड लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड पंच की बैजिंग, एंड साथ में दोस्तों जिसका लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, ICNG की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। सो आपको दो रिफ्लेक्टर एंड बीच में दोस्तों दो पार्किंग सेंसर, प्लस नीचे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ रिवर्स पार्किंग का बल्ब देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ बात करें अगर स्टेपनी व्हील की, तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको इसमें स्टेपनी व्हील देखने को मिल जाती है। तो बात करें अगर इसके टेल गेट ओपन करके बूट स्पेस की, तो यहाँ से जैसे आपको प्रेस करना है बटन, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया, उसको प्रेस करिए, आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ देख लीजिए दोस्तों आप, जिसका लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, पहले यहाँ देख लीजिए आपको पार्सल ट्रे दोस्तों देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल पंच में भी देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों बात करें इसके बूट स्पेस की, देख लीजिए बिल्कुल फ्लैट आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको पता नहीं कर पाओ कि दोस्तों आपका CNG वेरिएंट है कि आपकी नॉर्मल टाटा पंच है। एंड यहाँ से दोस्तों आप जैसे इसको ऊपर उठाएंगे कुछ इस टाइप से, नीचे देख लीजिए आपको इसमें ट्विन सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। एंड सेफ्टी की बात करें, यहाँ पर आपको दो दो वॉल भी देखने को मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। एंड इनकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी तरीके से की गई, साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको टूल किट दी गई है। एंड ये पूरा आपके प्लास्टिक की कवरिंग है, इसको प्रॉपर तरीके से फिट किया जाता है। एंड अगर दोस्तों इसके बूट स्पेस की बात करते हैं, तो अराउंड यानी 150 से 200 लीटर का आपको इसमें करीब करीब बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड लाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए लाइट भी दी गई है, तो काफ़ी अच्छा काम किया दोस्तों टाटा ने। एंड इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बट आपको एक टो हुक देखने को ज़रूर मिल जाता है। सो इतना ही कुछ था दोस्तों इसके बूट में, चलिए बंद करते हैं। एंड दोस्तों बात करें अगर इसके डोर पैनल की, वही आपको ब्लैक कलर का पूरा डोर पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों ये आपका पार्ट मिलेगा, वो आपको ग्रीनिश मिलेगा। यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर, ट्विटर स्पीकर एंड बोर्डल स्पेस आपको देखने को, यही सब कुछ देखने को मिल जाता है।
एंड बात करें अगर इसके इंटीरियर की तो आपको पूरा ब्लैक कलर का दोस्तों इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। एंड रेयर वाले पैसेंजर के लिए बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किसी भी टाइप का एसी वेंट की प्लेसमेंट या चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, बट आपको मोबाइल रखने का स्पेस दोस्तों देखने को जरूर मिल जाता है। एंड ऊपर बात करें दोस्तों रूफ की तो आपको इसमें कोई भी रीडिंग लैंप्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, यहाँ दोस्तों आपको ग्रैब हैंडल देखने को जरूर मिल जाता है। रेयर वाले सीट की तो आपको इसमें दोस्तों बेंच टाइप की सीट देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इसमें आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं, फिक्स हेडरेस्ट, पीछे आपको पार्सल ट्रे दोस्तों जरूर देखने को मिल जाती है। एंड इसके अगर बात करते हैं रिक्लाइन एंगल की दोस्तों तो सीट का रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक और दो वहाँ पर आपको दोनों तरफ आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड डोर की आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको दोस्तों देख लीजिए की लगाने की स्पेस। एंड डोर पैनल की बात करें दोस्तों तो पूरा आपको वही ब्लैक कलर का डोर पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको ये वाला टेक्सचर्ड पार्ट मिल जाता है ग्रीनिश में, एंड बाकी आपको ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ दोस्तों आपको पूरे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको ऑटो डाउन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। चाइल्ड लॉक है दोस्तों, यहाँ से आप मिरर सेट कर सकते हैं। ये आकर आपको डोर ओपनर, ट्विटर की प्लेसमेंट नीचे आपको मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट, साथ में दोस्तों आपको बोटल स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट की तो आपको इसमें किसी भी टाइप का सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, ये आपका दोस्तों सेकंड बेस मॉडल है। एंड अगर इसकी सीट की बात करें तो आपको फैब्रिकेट सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ देख लीजिए आपका दोस्तों ये रहता है आपका मैनुअल वेरिएंट, साथ में आपको मिलता है डैड पैडल, यहाँ थोड़ा सा आपको दोस्तों स्पेस मिलता है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तो आपके सामने इसका इंटीरियर है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एंड पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा। आपकी क्या दोस्तों राय प्लीज़ कमेंट जरूर करना। एंड दोस्तों आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं या फिर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं वो हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो पूरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। पहले दोस्तों बात करते हैं अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की तो आपको देख लीजिए आपको नीचे डी कट शेप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी लेदरेट वर्क देखने को नहीं मिलता। बीच में दोस्तों आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल है दोस्तों, कॉल पिकअप, कॉल कट करने का ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों आपको हॉर्न का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों बात करें अगर इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तो आपको सिर्फ इसमें टिल्ट देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक दोस्तों इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर से क्लस्टर की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ इस टाइप का आपको इसमें डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बीच में दोस्तों आपका स्पीडोमीटर सब कुछ शो कर देगा। एंड दोस्तों लेफ्ट साइड की बात करें आरपीएम मीटर, राइट साइड दोस्तों पेट्रोल का आपका फ्यूल गेज मीटर, एंड ऊपर आपको दोस्तों सीएनजी का भी फ्यूल गेज मीटर वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड बाकी आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले पर आपकी शो हो जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको देख लीजिए एसी वेंट की प्लेसमेंट मिलती है, एंड ऊपर आपको इसमें मिलता है ग्लॉसी ब्लैक की कवरिंग, साथ में दोस्तों ये आपका टेक्सचर्ड पार्ट है ग्रीनिश। नीचे दोस्तों आते हैं इस तरफ तो यहाँ पर आपको सीएनजी की दोस्तों बटन मिलता है, एंड ये गाड़ी आपकी डायरेक्ट सीएनजी पे भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको मिलता है की लगाने का स्पेस। सो बात करते हैं दोस्तों इसके मेन सेंटर डैशबोर्ड की, यहाँ पर आपको देख लीजिए आपको हरमन की दोस्तों म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसमें आपको चार स्पीकर का सेट मिलता है। एंड दोस्तों टच स्क्रीन की बात करें तो दोस्तों ये आपको मिलती है 7 इंच की टच स्क्रीन जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। हजार्ड का बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, एसी वेंट की प्लेसमेंट, एंड दोस्तों ये पूरा आपका टेक्सचर्ड पार्ट है ग्रीनिश में, देख लीजिए कुछ बढ़िया लगता है दोस्तों देखने में, ग्रीनिश है। नीचे बात करते हैं तो आपको इसमें मैनुअल एसी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, साथ में आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस, एंड दोस्तों ये आपका रहेगा 5 स्पीड मैनुअल वेरियंट, यहाँ पर दोस्तों आपको खाली स्पेस मिलता है। अगर आप टॉप वेरियंट लेंगे तो यहाँ भी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, प्लस की रखने की स्पेस, 2 कप ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक, एंड दोस्तों इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। सीट दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ आपको फैब्रिकेट सीट देखने को मिल जाती है। एंड यही दोस्तों आपको मिलता है ग्लव बॉक्स जो कि आपका सॉफ्ट ग्लव बॉक्स है, एंड ये आपका दोस्तों कूल ग्लव बॉक्स नहीं है। मिरर की बात करें तो आपको दोस्तों मैनुअल इसमें मिरर देखने को मिल जाएगा, इधर आपको दोस्तों रीडिंग लैंप्स एक ही मिलता है ना, इसमें आपको सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मीन्स यहाँ पर दोस्तों आपकी काफी कॉस्ट कटिंग की गई है। माइक की प्लेसमेंट, सनवाइजर की बात करें दोस्तों क्वालिटी काफी लो है, एंड इसमें आपको वारंटी मिरर भी देखने को नहीं मिलता। एंड पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों वारंटी मिरर जरूर देखने को मिल जाता है। सो कैसा लगा आपको उसका इंटीरियर दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों आपको टाटा पंच सीएनजी में आपको कितने सीसी का इंजन इसमें देखने को मिल जाता है चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका इंजन में कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। एंड अगर बोनट की बात करें तो आपको इसमें इंसुलेशन देखने को मिलता है पेट्रोल वेरियंट में। एंड इंजन की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल रेबोटन इंजन देखने को मिलता है, सेम इंजन देखने को मिलता है। एंड अगर दोस्तों उसके पावर फिगर की बात करें तो उसके पावर फिगर आप कम कर दिए गए हैं, यानी 73.5 BHP की आप गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है। वहीं दोस्तों टॉर्क की बात करें तो 103 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपके मन में जो भी किसी भी कुछ टाइप की क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दोस्तों जरूर कर दूंगा। साथ में दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।